चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। एमजे अकबर विदेश से लौट आए हैं। आपको बता दें कि अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल अभी भी एमजे अकबर कुछ भी बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर का बयान, कहा बाद में देंगे बयान। अकबर पर लगा है यौन उत्पीड़न का आरोप। आपको बता दें कि एमजे अकबर पर कुछ वरिष्ठ महिला पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसको लेकर लगातार जो बीजेपी सरकार है वो बैकफुट पर है और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर जब विदेश से दिल्ली लौटेंगे तो उसके बाद बीजेपी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या फैसला यहाँ पर लिया जाता है और क्या कदम उठाया जाता है बीजेपी द्वारा। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो एयरपोर्ट से निकले थे केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर, उस वक्त की आप तस्वीर देख रहे हैं। सफेद गाड़ी में वो मौजूद हैं और दिल्ली पहुंच चुके हैं। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उन्होंने दिल्ली में एंटर किया। आपको बता दें कि कुछ महिला पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है मोदी सरकार पर और लगातार एमजे अकबर का इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो वहीं अमित शाह का यहां पर बड़ा बयान था, उनका कहना था कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी चीज़ सामने आएगी वो देखी जाएगी। और आपको बता दें कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि विदेश से लौटने के बाद जो है एमजे अकबर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि आखिर अब क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल अभी एमजे अकबर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं इस पूरे मामले में। तस्वीरें आप ये उस वक्त की देख रहे हैं जिस वक्त एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए आ रहे थे केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर। तो दिल्ली आ चुके हैं केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर, जिन पर मी टू के तहत कुछ महिला पत्रकारों ने, मी टू मूवमेंट के तहत कुछ महिला पत्रकारों ने उन पर यौन शोषण, यौन उत्पीड़न का आपको बता दें कि आरोप लगाया था। उसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है मोदी सरकार पर और लगातार एमजे अकबर का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो वहीं यहां पर आपको बता दें कि लगातार जो बीजेपी है वो बैकफुट पर है। अभी पूरी जांच की बात की जा रही है। बीजेपी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललित पाल कानपाल। ललित जी, यहां पर खबर आ रही है कि दिल्ली पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर, क्या कहेंगे अब, क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं और अभी फिलहाल कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं एमजे अकबर। जी बिल्कुल, जैसा कि उम्मीद थी ठीक वैसा ही होता नजर आ रहा है मोनिका, कि एमजे अकबर से सवाल पूछने के लिए मीडिया एयरपोर्ट पर ही पहुंच गई थी, लेकिन वहां पर भी वो सवाल कई कन्नी काट गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो इस मामले पर जरूर बोलेंगे लेकिन बाद में बोलेंगे। तो कुल मिलाकर यही एक्सपेक्टेशन भी थी कि अभी वो कुछ नहीं बोलेंगे इस मामले पर। माना ये जा रहा है कि वो इस मामले पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद ही जो है वो इस पूरे मामले पर मीडिया के सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर जो है मी टू कैंपेन के तहत जो फंसे हैं एमजे अकबर, उसने जो है एमजे अकबर की परेशानी तो बढ़ाई है लेकिन साथ में पार्टी की परेशानी भी बढ़ा दी है। जी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इससे पहले साफ साफ कह चुके हैं कि मामले की जांच होगी और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं वो ये बन रही है कि एमजे अकबर के लिए परेशानी जो है लगातार बढ़ रही है। अब आज के दिन में डेवलपमेंट देखना होगा कि आज एमजे अकबर किस किस से मुलाकात करते हैं और उसके बाद कब वो मीडिया से सामने आते हैं, मीडिया के सामने इन सवालों के जवाब देंगे। जी ललित जी, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो बैक फुट पर है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी इस पूरे मामले पर बैक फुट पर है।
बीजेपी को दरअसल कांग्रेस जो है पहले ही रफाल के मामले पर घेरे हुए है और रफाल के मामले पर जो है बीजेपी सवाल जवाब दे रही है, लेकिन दूसरा ये जो मामला आया है इसने बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जरूर कह रहे हो कि मामले की जांच होगी, लेकिन जिस तरह से इस एमजे अकबर पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 महिला पत्रकारों ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला बन गया है उसके बाद से कि एमजे अकबर पर जिस तरह के 10 महिलाओं ने आरोप लगाए हैं उसके बाद आखिर जो इनकी जांच होगी और जांच में क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती हैं, उसके बाद क्या कुछ घटित होता है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा और अब देखना ये होगा कि आज दिन भर का घटनाक्रम क्या होता है। बिल्कुल ललित जी, एक बड़ी बात यहाँ पर यही सामने आ रही है कि एक नहीं दो नहीं कई महिलाओं ने, कई वरिष्ठ महिला पत्रकारों ने एमजे अकबर पर आरोप लगाया है और उसके बाद अब जैसे कि आपने बताया कि एयरपोर्ट पर जो मीडिया कर्मी वहाँ पर खड़े थे और वहाँ पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे एमजे अकबर, तो यहाँ पर एमजे अकबर पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और इस बात का क्या मायना निकाला जाए ललित जी? देखिए इस बात के यही मायने हैं कि जिस तरह से कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया है उसके बाद एमजे अकबर की विदाई हो सकती है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन जांच होगी, अब जांच में वो कब तक निकल कर सामने आता है, पूरा पहलू कैसे वो क्लियर होता है, क्योंकि महिला जो महिला आयोग है, जो राष्ट्रीय महिला एवं सुरक्षा आयोग है जो जिसकी मेनका गांधी मंत्री हैं, उन्होंने कल कहा था कि एक 4 सदस्यीय समिति का हमने गठन किया है और ये 4 सदस्यीय समिति जो है इस तरह के पूरे मामले जो ये निकल कर सामने आए हैं इनकी जांच करेगी, तथ्य बाय तथ्य जांच होगी और उसके बाद ही जो है इस पूरे मामले में आगे कुछ कहा जा सकेगा, क्योंकि इस पूरे मीटू प्रकरण में केवल अकेले एमजे अकबर नहीं फंसे हैं बल्कि नाना पाटेकर सहित कई बड़ी हस्तियां जो हैं, आलोक नाथ, नाना पाटेकर और कई और लोग जो हैं, पत्रकार जो हैं, कई पत्रकार हैं, कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, तो ये सब लोग जो हैं इस पूरे दायरे में आए हुए हैं, तो इन सभी की जांच होगी। और दरअसल इस पूरे प्रकरण को लेकर एक सवाल भी खड़ा ये हो रहा है कि जो इतना पुराना मामला है तो उसको लेकर अब कैसे यहाँ पर क्या क्या चीजें सबूत पेश होते हैं और क्या क्या चीजें निकल कर सामने आती है, ये अपने आप ललित जी बड़ी बात। और जी ललित जी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राजनीति में अगर बात करें, राजनेताओं की अगर बात करें, तो एमजे अकबर पहले ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर मी टू कैंपेन के तहत इस तरह के इल्जामात लगे हैं। दूसरी बात ये कि अभी फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है विपक्ष के द्वारा? देखिए विपक्ष तो लगातार इस पूरे मामले पर हमले कर रहा है और उनका ये कहना है कि एमजे अकबर को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं बल्कि 10 महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, ये अपने आप में गंभीर मामला हो जाता है और इसमें अब बचा कुछ नहीं है, तो ऐसे में विपक्ष तो लगातार कांग्रेस हमलावर है इस पूरे मामले पर, लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी क्या स्टैंड देती है और एमजे अकबर क्या आज प्रतिक्रिया देते हैं मीडिया के सामने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर दिल्ली लौट चुके हैं और अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ फैसला लिया जाएगा और जांच कब बिठाई जाएगी और जांच में क्या कुछ सामने आता है।